जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं आप सभी का अमित कुमार भांडेकर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ग्रेट भांडेकर में। तो अभी हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जो है वह बहुत ही जल्दी फैल रहा है और बहुत से ऐसे LIC के कस्टमर हैं, LIC के पॉलिसी होल्डर हैं जो कोरोना से उनकी डेथ होते जा रही है। तो उनके परिजन, उनके परिवार वाले ये सोच रहे हैं कि हम इसका डेथ क्लेम कैसे करें। तो आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि हम सभी कोरोना का डेथ क्लेम LIC में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो कई लोग को पता नहीं रहता कि कौन कौन से दस्तावेज लगना है। तो आज हम सभी कोरोना डेथ क्लेम में कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा यह सभी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपकी समय की भी बचत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि सामान्यता आप सभी के मन में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। कि जो क्वेश्चन सामान्यता आप सभी के मन में होंगे वह ये होंगे, LIC इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, LIC डेथ क्लेम लेने का प्रोसेस क्या है, बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम कैसे लें, LIC इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए कहाँ जाएं, LIC बीमा दावा कैसे करें। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वह एक्सीडेंटल में होती है, दूसरा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वह हॉस्पिटल में होती है, तीसरा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वह नॉर्मल होती है, चौथा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है कोरोना से होती है। तो चारों का मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से दाग लगेंगे और हम इसे LIC में कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको बारी बारी से। यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंटल में होती है तो उससे FIR रिपोर्ट देना होता है और मेडिकल रिपोर्ट देनी होती है। यदि उनका पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देना अनिवार्य है। यदि उसकी मृत्यु जो है हॉस्पिटल में होती है तो उसको हॉस्पिटल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यदि किसी की मृत्यु जो है कोरोना से होती है तो उन्हें भी मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। यदि किसी की मृत्यु जो है नॉर्मल डेथ में होती है तो उन्हें सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसके साथ ही आइए जानते हैं कि इन सभी के लिए संपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु जो है एक्सीडेंटल में होती है तो ये निम्न डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक्सीडेंटल डेथ के लिए FIR रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड पेपर, पॉलिसी होल्डर का ID प्रूफ, नॉमिनी का ID प्रूफ, नॉमिनी का कैंसल चेक या बैंक पासबुक, डॉक्यूमेंट शोविंग रिलेशनशिप विथ द पॉलिसी होल्डर नॉमिनी का, एप्लीकेशन लेटर, LIC डेथ बेनिफिट इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म 3783A, LIC डेथ क्लेम फॉर्म नंबर 3801, डिस्चार्ज फॉर्म। यह जो दो फॉर्म है यह आपको LIC ऑफिस से ही मिल जाएगी। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हॉस्पिटल में होती है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। हॉस्पिटल डेथ, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। बाकी का जो नीचे का डॉक्यूमेंट है वह पिछले जैसा ही सेम है।
यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नॉर्मल होती है तो निम्न डॉक्यूमेंट लगेंगे। नॉर्मल डेथ, इसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, यह लगभग पिछले जैसा ही है। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु कोरोना महामारी से होती है तो निम्न डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोरोना डेथ, मेडिकल रिपोर्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। कोरोना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लग रहा है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी का भी डेथ क्लेम 180 दिन के अंतर्गत कर सकता है, लेकिन 20 से 30 दिन के अंदर करने से ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप सभी के पास 180 दिनों का समय रहता है। तो ये रहा आप सभी के सामने कि हम LIC में किसी भी प्रकार का डेथ क्लेम कैसे कर सकते हैं। यदि LIC संबंधित या बीमा संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर में कॉल कर सकते हैं। यदि आपको LIC में नया बीमा लेना है या भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर में कॉल कर सकते हैं। और यदि आप सभी के वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। It's caught in the crossfire.